हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी साथी। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है सरकारी साथी में। और देखिए, एक रिक्रूटमेंट आई है, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्स तो आएंगे ही, और एग्ज़ाम्स की हम तैयारी भी करेंगे। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उसके बीच में कुछ रिक्रूटमेंट्स के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो उन्हीं रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई। और मैं डेली ही, जब भी कोई नोट, अभी तो आ नहीं रहा, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो डेली नए नोटिफिकेशन आएंगे, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। देखिए कि DRDO की साइंटिस्ट की वैकेंसी निकली है। मैंने आपको जो लिंक है इसका पूरा अप्लाई करने का, नोटिफिकेशन का, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने वहाँ दे रखा है। अब वहाँ जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप डाउनलोड और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सब देखते हैं। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई नोट्स चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मेरी वेबसाइट सरकारीsathi.com पर जाके आप डाउनलोड नोट्स कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, MCQs, सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, ये देखें, ये 30 तारीख का है, मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे DRDO ने निकाली है 2020 के लिए वैकेंसी, और टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 185 पोस्ट हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन की अगर मैं डेट बताऊं, तो जो एप्लीकेशन है आपका वो 29 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 1 जुलाई तक इसकी डेट है लास्ट भरने की, और 10 जुलाई तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की अभी कोई डेट नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी वो नहीं बताई है। लेकिन हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको 100 रुपीज़ जनरल OBC के लिए, और 0 रुपीज़ मतलब कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप SC ST में, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, कुछ भी हैं, तो आपको नहीं देना है। आप एग्जामिनेशन फ़ी है जो आप वो भर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट में, तो उसकी एज लिमिट क्या है। देखिए, मिनिमम एज इसमें नहीं दी गई है, ठीक है, पर हम 18 मान के चलते हैं कि 18 तो होगा, क्योंकि बैचलर डिग्री है, तो बैचलर डिग्री 21-22 तक होती है, तो उतनी इसकी एज मान के चलते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो 28 है फॉर DRDO, और जो मैक्सिमम एज है ADO के लिए वो है 30 ईयर्स, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो रूल्स जो हैं गवर्नमेंट के, उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। अगर हम वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, तो देखिए दो अलग अलग वैकेंसी डिटेल्स हैं, एक है DRDO के लिए, एक है आपकी ADO के लिए। तो अगर हम DRDO के लिए बात करें, तो देखिए जो आपकी पोस्ट है, अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें, कम्युनिकेशन की, तो 37 पोस्ट हैं, और बैचलर डिग्री मांगी है। और साथ ही साथ हर पोस्ट के लिए आपको गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपने गेट का एग्ज़ाम क्लियर करा, तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग है 35 पोस्ट, कंप्यूटर के लिए अलग है 31 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 12 पोस्ट, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट, फिजिक्स के लिए 8 पोस्ट, लेकिन इसमें बैचलर डिग्री नहीं, इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी डिटेल मैंने अपनी वेबसाइट में पोस्ट पर दे रखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी दिया, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। पोस्ट की पर बात करना, तो केमिस्ट्री की अलग से मास्टर डिग्री है, और केमिकल इंजीनियरिंग जहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग है, उसके लिए बैचलर डिग्री है। फिर एरोनॉटिकल के लिए 4 पोस्ट हैं, इसके लिए बैचलर डिग्री है। मैथमेटिक्स की भी 4 हैं, सिविल की 4 हैं, साइकोलॉजी की 4 हैं। फिर अब आती है ADO। अगर ADO की बात करें, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 8 हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 ही पोस्ट है इसमें, और एरोनॉटिकल के लिए 4 पोस्ट है। अगर आप फुलफिल कैसे करेंगे, देखिए मैंने ये भी आपको पूरा दे रखा है कि जो कैंडिडेट है वो सबसे पहले तो जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करेगा। उसके बाद कैंडिडेट क्या है, जो फुल नोटिफिकेशन में मैंने लिंक उसमें पोस्ट में दिया है, वहाँ पर जाकर आप लिंक पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, ID प्रूफ आपका ठीक है नहीं, एड्रेस डिटेल्स, एग्ज़ाम की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी चेक करनी है फॉर्म भरते वक्त। उसके बाद जितने भी आपके स्कैन करके आपकी फ़ोटोज़, आपके थंब इम्प्रेशन, आपका सिग्नेचर, वो सब आपको याद ध्यान से भरना है। और सबमिट करने से पहले आप सारे उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, और उसके बाद एक प्रिंटआउट ज़रूर लें। तो ये सारी डिटेल मैंने इसमें दिए। और रही बात अप्लाई करने की, तो कि मैंने आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए एक लिंक दिया है, साथ ही साथ DRDO वाले जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से देख सकते हैं, और अगर कोई ADO के लिए देख रहा है तो वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट ये आपका लिंक मैंने इसमें दिया है, और अप्लाई जिसको करना है वो चाहे DRDO हो चाहे ADO हो, दोनों को एक ही लिंक से अप्लाई के लिए करना है। तो मैंने सारा आपको बता दिया है, तो आई होप कि आपको डिटेल समझ में आई होगी और आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको ज़रूरी हो तो आप अप्लाई करिए, और सरकारी साथी वेबसाइट पर आप जाके देख लीजिए। यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे, तो आपको लेटेस्ट जॉब रिजल्ट्स, ठीक है, आपको नोट्स, स्टेट जॉब्स मतलब स्टेट वाइज जॉब्स, और प्रीवियस पीरियड के पेपर, वो सब आपको मिल जाएंगे।
आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।